गौर करिएगा कभी बया की कोई कला, गौर करिएगा और करिएगा कभी बया की कोई कला कि पेड़ गिर जाए भले लटका रहेगा घोंसला। गौर करिएगा कभी बया की कोई कला कि पेड़ गिर जाए भले लटका रहेगा घोंसला, और यदि समर्पण में कमी थोड़ी सी भी रह जाएगी, यदि समर्पण में कमी थोड़ी सी भी रह जाएगी बाह में आता नहीं बस हाथ भर का फासला। यदि समर्पण में कमी थोड़ी सी भी रह जाएगी बाह में आए नहीं बस हाथ भर का फासला। गौर करिएगा कभी बया की कोई कला। और देखिए एक मुक्तक कि खोलू अनुभव की जो गठरी तो कहानी निकले, खोलू अनुभव की जो गठरी तो कहानी निकले और जिंदगी का फलसफा क्या ये मानी निकले। खोलू अनुभव की जो गठरी तो कहानी निकले, कहानी निकले और जिंदगी का फलसफा क्या ये मानी निकले और अपने तकदीर से, खास तौर से यूथ के लिए, कि अपने तकदीर से कोई गिला न कर साथी, तू अगर रेत निचोड़ेगा तो पानी निकले। अपने तकदीर से कोई गिला न कर साथी तू अगर रेत निचोड़ेगा तो पानी निकले। और खोलू अनुभव की जो गठरी तो कहानी निकले। और देखें रोशनी पर एक चित्र देखें, खास तौर से गुरु जी आपको संबंधित है ये। रोशनी बिजलियों की जगमगाहट वह हवेली है तुम्हारी, बिजलियों की जगमगाहट वह हवेली है तुम्हारी और दीप माटी का मेरा बूझे पहेली है तुम्हारी। बिजलियों की जगमगाहट वह हवेली है तुम्हारी और दीप माटी का मेरा बूझे पहेली है तुम्हारी। और रोशनी को मुट्ठियों में कैद करने तुम चले थे, रोशनी को मुट्ठियों में कैद करने तुम चले थे कि पारदर्शी हो चली देखो हथेली ही तुम्हारी। रोशनी को मुट्ठियों में कैद करने तुम चले थे, पारदर्शी हो चली देखो हथेली है तुम्हारी। बिजलियों की जगमगाहट वह हवेली है तुम्हारी, बिजलियों की जगमगाहट वह हवेली है तुम्हारी। एक मुक्तक और देखें, अंतिम मुक्तक निवेदित कर रहा हूं। स्वागत। कि प्रश्न चिन्हों का है घेरा इस सदी के सामने, प्रश्न चिन्हों का है घेरा इस सदी के सामने और टूटते तटबंध देखो हर हदी के सामने। प्रश्न चिन्हों का है घेरा इस सदी के सामने, टूटते तटबंध देखो हर हदी के सामने, टूटते तटबंध देखो हर हदी के सामने। प्रश्न चिन्हों का है घेरा इस सदी के सामने, टूटते तटबंध देखो हर हदी के सामने। और एक चिल्लू इंतजारी कर सको तो ठीक है, एक चिल्लू या एक अंजुरी इंतजारी कर सको तो ठीक है, वरना प्यासे ही रहोगे तुम नदी के सामने। एक अंजुरी इंतजारी कर सको तो ठीक है, वरना प्यासे ही रहोगे तुम नदी के सामने। प्रश्न चिन्हों का है घेरा इस सदी के सामने।